तेरे बाजू नहीं जीना, नहीं जीना, नहीं जीना तेरे बाजू नहीं जीना, नहीं जीना, नहीं जीना तू नहीं जीना। Today we're going to Seiji, which is a desi restaurant basically, and right now we just left our house and it's like 9 p.m. so yeah, we're gonna go there. This is like the last time we're going anywhere, like a restaurant in our whole trip, because we're about to leave. So yeah, I think this is probably the last time, so I'll show you guys everything that we eat there, and yeah, let's go. ओके गाइस, अब हम पहुंच गए हैं, अब हम अंदर जा रहे हैं, और हमारे ज़्यादातर लोग जो हैं वो ऑलरेडी इनसाइड हैं। हम अभी लास्ट पहुंच रहे हैं, देखते हैं क्या क्या है खाने। आधे घंटे से भी ज्यादा लेट हैं आप, आधे घंटे से। एवरी टाइम पहले ही बता दिया, एवरी टाइम। वाओ, वेरी नाइस इयररिंग। यहाँ बोरियत की हदें पार हो रही है इधर। हम लोग हाँ, ये बहुत मजे का लग रहा है, मजेदार लग रहा है, मजेदार। सूप कैसा है? सूप कैसा है? कैसा है? अन्ना सूप कैसा है? या आई गुड। सूप कैसा है? आप सब लोग बताएं मुझे। अच्छा अच्छा। ये सब तीनों आ रहे हैं। इधर देखो, दादी इधर देखो। चलो। भाइयों और बहनों। ये भी बहन है। अच्छा, ये बीच में बैठी हुई। अच्छा भाई और बहनों, कल आप सब इनवाइट हैं नसीम हाउस पे, आइए। 8 बजे टाइम है आने का, 8 बजे टाइम आने का, 8 बजे से लेट जो होगा वो इनवाइट ना होगा। खाला जानी, मैं तो ये बोला था, नानी और खाला जानी ड्यूटी नहीं उसमें, ये तो ऐसी आएंगी। या अल्लाह, तो इन्होंने 5 लोगों की रिस्ट्रिक्शन लगाई थी ना, तो उसमें आप दोनों को एग्जाम कर दिया था। अगर हमारे भी बच्चे छोटे होते तो हम भी कुछ खा लेते हैं ना। अल्लाह, इतना शोर मच गया।
गरम हो रहा है क्या? हाँ कोई रोटी खा रहे हैं ना पहले नानी मुझे फूड रिव्यू हांडी और बताओ आप लोगों को क्या पसंद आ रहा है? नॉर्दर्न एरिया में कौन कौन चलेगा गर्मियों में? अब जो हाथ उठा रहे हैं वो बाहर में ना मुख्य मैंने जो डेट बताई है वो ही तो पढ़ना था मैं को खबर साहब महफिल में जलवा फरोश है तशरीफ फरोश है और अनार करीम का इस्तकबाल करते हैं और तमाम जितने गेस्ट हैं सब पर खैर मकदम करते हैं। खबर साहब के लिए कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारे आने की आहट ये खुशबू बताती है। वाह 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 अकेले तुम ही नहीं जानते हो रातों को खावर उन्हें भी नींद बड़ी मुश्किल सा तो आ गए तो रोशन माहौल सा हो गया इतना हसीन आज का मंजर सा हो गया और कैफ हैं नज़ारे झिल मिलाते हैं सितारे एक चांद को देख के एक चांद पागल सा हो गया। अच्छा हमारे जो मेहमान आए हैं ये भाजी पंजाब से कहाँ से? अमेरिका से। बोलो जो इनको देखना तूफान क्या हो गया मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत कौन करता है? मोहब्बत अपने पराये और वतन से दूर रखती है ये जरूरत घर में पूरी हो तो हिजरत कौन करता है? ये तो सही बात बस यही जरूरत नहीं पूरी हो पा रही है। आज के सुप्रीम आज के हीरो ये उनके लिए कह रहे हैं कि दिल का राजा हूँ गरीबी को गजल कहता हूँ मैं अपने घर को ही ताजमहल कहता हूँ दिल का राजा चांद तारे हैं मेरे वास्ते मेरे बच्चे मैं अपनी बीवी को ही मुमताज महल कहता हूँ और आपके लिए कह रहे हैं कि छुप कर तन्हाई में रोने की जरूरत क्या है? क्या है कहने के बाद तेरी चाहत से बढ़कर कोई कीमत क्या है? तेरा अचल जो सलामत रहे तो चंदन आपके लिए कह रहे चलती फिरती आंखों से अगर देखी है मैंने जन्नत को नहीं देखी मगर बात क्या बात सही बात बेगम से रोजाना फाइटिंग चल रही है जी नहीं बोल ये हुस्न जो भोरे जो रोके से रुकते हैं पता चला मलिर हाइट पे भी उनकी सेटिंग चल रही है। ये बात है जितनी शहजादियाँ बेटियाँ बच्चियाँ बैठी हैं आपकी जितनी हैं सबके लिए कह रहा हूँ जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से महकता रहता है दिलों का जहान बेटी से ये जरूरी तो नहीं बेटों से नाम रोशन हो मेरे नबी का चला खानदान लेकिन वो शख्स पराया भी बहुत लगता है उससे मिलने उदल तो कर रहा है मगर शिकागो से वाशिंगटन आने जाने में किराया बहुत लगता है। अगर आपके लिए और भाभी के लिए दोनों के लिए नाज वही अंदाज वही हर बात वही हर चीज वही शादी में जमाना उजरा दोनों कुंवारे लगते हो ये कर्नल साहब की बहू आएंगी ये कर्नल साहब की बहू कर्नल साहब की बहू है जरा संभल के मलिरगंज करीबी है। अरे अल्लाह अल्लाह कभी इसके लिए बदुआ नहीं होती एक कर्नल साहब की बहू है जो अपने ससुर और सास से खफा नहीं होती। ये जो माशाल्लाह महफिल में मौजूद है भी बैठे हैं मदरा में बैठे हैं लेकिन सबसे अच्छी मस्ती के साथ बैठी हुई है जी बिल्कुल कहते हैं कि जिस शहर में मगरूर अनाए नहीं होती उस शहर में नफरत की फिजाएं नहीं होती उस घर को आसिफ बना देती है नशे में जिस घर में माँ बाप की दुआएं नहीं बिल्कुल वेरी गुड आप आए हैं
आपके दम से सज गई सेठ जी की रौनक। इलाही ये खुशियाँ, ये रहमत है, ये बरकत है, इसमें फिल्म में बार बार बेशुमार हजार बार। वेलकम टू सेठ जी एवरीवन। थैंक यू। आ जाओ, आओ इधर इधर दो हाफ। ओ पानी। ये देखो ये क्या है, ये क्या है? अरे ये लो, सारा बहुत हल्ला है। अरे भैया मैं तुम कितने वाले दे दूं यार, ट्रांसफर कर दो ये वाला उधर ट्रांसफर कर दे। अल्लाह क्या हो रहा है, मैं ये तेरी फोन भी मार रहे हम इतने धूल में चला चढ़ा दी जा रहा है, ये बिल्कुल ऐसे खड़ी है मेरे हाथों पे चार नहीं एक बीच में कर लो टू बाय। ओह माय गॉड आई एम पर्सनली रवि एन की गाड़ी में बैठ गई थी और इसने जो है घुमा दी थी चौक चौराहे। अरे क्या क्या हो गया, फोन भी चौराहे में घुमाई इसने, क्या किया वहाँ डिफेंस के उसपे। हाँ लिप्टन के सी वी यू के करीब पहुँच गए थे। क्या किया था तुमने? कुछ बलिनों को थोड़ी किया था, वो दूसरी बात किया था। हाँ कांवर के हाथ पाँव भूल गया। अरे ये क्या कर रहे हैं, जितने गाड़ी चला रहे हैं जबकि कोई भी मसला नहीं था। फिर मसला नहीं था, ये नहीं सोया था, मैं नहीं सोई थी, हल्के पड़ गए थे। यहाँ आता भाई पूरी रात को ही लाने नहीं चाहिए पिकनिक पे, तो सुबह की रात को तो सो कर आया था हमने अपने घर पे। दादी अपने पास यही बोली रही थी, छिपकली मार रही थी, छिपकली सब लोग नीचे सो रहे हैं, ऊपर छिपकली चल रही। तैयार भाई हूं ये मैं जो सोते हैं लोगों पे गिरेगी अगर कुछ भी होगा। और हम लोग चीख रहे हैं, सोच रहा किसी का मुंह खुलता कराटे लेने के लिए। तुम भी बाहर आ रहे हो। इधर हम अब घर जा रहे हैं, नानी के घर जा रहे हैं और ये है हमारी होस्ट ऑफ द नाइट। यार बहुत तैयार होके आई है, अच्छी लग रही है बहुत, और हमें बहुत मज़ा आया दावत में, हम सब लोगों को बहुत मज़ा आया और हमने बहुत खाया। तो मैंने कम क्योंकि इतना नहीं खा सकते, खा देती है एक, लेकिन खाना जो हमने खाया वो बहुत अच्छा था। आपकी फेवरेट डिश क्या थी? मेरी प्लेटर और पनीर रेशमी कढ़ाई। चावल बहुत अच्छे थे मैंने खाए। ओके गाइस अल्लाह हाफिज़।